नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का टॉपिक इडियम फ्रेज के लिए है जो ओ से स्टार्ट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें समय समय पर। तो इडियम फ्रेज जो ओ से स्टार्ट होते हैं देखा जाए, सबसे पहला यहाँ पे ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। यहाँ से क्लियर है कि अगर ओवर एंड ओवर को ठीक से पढ़ा जाए तो ये जो हिंदी मीनिंग है बार बार, ये भी आ जाएगा। देखिए कैसे, ओ बार, ये देखिए ओ बार, क्लियर है। ओवर एंड ओवर बार बार, मतलब ही और फीलिंग भी दोनों कह रहा है कि बार बार होता है। ओवर एंड ओवर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब शानदार होता है इसका मीनिंग। और इतना आसान है और ज़्यादातर आपने भी बहुत बार यूज किया होगा, अरे यार एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब एकदम अलग हट के, सबसे अलग हट कर है, एकदम जानदार शानदार, वो टाइप का फीलिंग इसमें लिखता है, दिखता है बोलने टाइम। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वाओ, ये हो गया। आउट ऑफ थिन एयर, आउट ऑफ थिन एयर मतलब अचानक, जिसकी आशा ना थी। थिन एयर मतलब हल्की हवा कुछ कर सकती है, नहीं ना, हल्की हवा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हल्की हवा अगर एक झोपड़ी गिरा दे, मतलब हल्की हवा से अगर झोपड़ी गिरने की मतलब कि कुछ घटना हो जाए तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आशा नहीं थी। अरे कौन जानता था कि हल्की हवा से भी झोपड़ी गिर सकती है। आउट ऑफ थिन एयर मतलब थिन एयर से क्या निकला, तूफान निकला। आउट ऑफ थिन एयर, थिन एयर से हटकर, थिन एयर से हटकर मतलब क्या, तूफान, ये भी समझ सकते हैं कि थिन एयर से हटकर यानी तूफान, कोई हल्की हवा नहीं थी वो तूफान था। नॉट थिन एयर, आउट ऑफ थिन एयर दैट इज ए स्टॉर्म, जिसकी आशा न थी उस टाइप समझ लीजिए। आगे है आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स मतलब हो गया समस्या, मुश्किल से बाहर आना। ये वुड्स का मतलब होता है जंगल, और इडियम फ्रेज है भाई, इडियम फ्रेज में सीधा मीनिंग होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, मिल जाता बहुत अच्छी याद होता, याद होने बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब इडियम फ्रेज है और मीनिंग सेम होता नहीं है, तो वुड्स का मतलब क्या समझिएगा, जंगल। अगर आप जंगल के बीच में हैं तो जंगल के बीच में मतलब क्या, समस्या में है, चिंता में है, मुश्किल में है, ऐसा कुछ। तो आउट ऑफ द वुड्स, अब जंगल से बिल्कुल आउट हो चुके हैं, जंगल से बाहर निकल चुके हैं, यानी समस्या से बाहर आ चुके हैं, ये हो गया समस्या से बाहर आना, मुश्किल से बाहर आना, आसान है। आगे है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू फायर, एक समस्या से निकल कर दूसरी में। इसको मैं बताता हूँ, एक मछली लीजिए, मछली खुद से क्या सोचती है, उधर देखिए जिंदा मछली है, वो मछली तावा पे गई यानी पैन पे गई, फ्राइंग पैन पे गई और कोशिश की कैसे भी उससे निकल जाए, अपना जान बचाए। तो फ्राइंग पैन से क्या कर दी, छलांग लगा दी, छलांग लगाई तो कहाँ गई, आग में चली गई, फायर में। इसका मतलब क्या हुआ कि बेचारी एक समस्या से निकल करके दूसरी समस्या में जाकर गिर गई। तो ये हो गया इडियम फ्रेज में मीनिंग निकाला जाए तो। अब इसका मतलब क्या होता है, एक समस्या से निकल कर दूसरी में बिल्कुल मिल जा रहा है मीनिंग भी। तो मछली अपना जान प्राण लगा करके एक समस्या यानी कि फ्राइंग पैन से निकलने की कोशिश की, छलांग लगाई और जाकर कहाँ गिरी, फायर यानी आग में जा गिरी, तो बेचारी ख़त्म, जल के राख। आगे देखते हैं आउट अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई इसका मतलब ध्यान देने लायक अन्य काम। अब जरा हाँ उसी पर देखते हैं ध्यान, इसी पे मछली क्या हुई, जल के खाक हुई। तो जो बनाने वाला आदमी था, कुक जो था, वो बोला कि मछली जल गई, कोई बात नहीं, दूसरा मछली है ना उस पर ध्यान देते हैं। तो हो गया ये कि अदर फिश, कोई और भी तो फिश है, एक ही फिश हो रही थी जो जल गई, गई यानी कि अदर फिश को फिर डाला, फिर फ्राइंग पैन में उसको जम के फ्राई किया, हो गया फ्राइंग अदर फिश टू फ्राई, ध्यान देने लायक अन्य काम, समझ गए बात को। आगे एक ही काम थोड़े ना, अन्य काम भी है, देखा जाए अदर फिश। आगे है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी रह सकता है या फिर सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स भी रह सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई रहे आप, उसका मतलब होता है एकदम नया। कुछ भी आप सामान अगर ऑर्डर किए होंगे तो आप जानते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जब भी बॉक्स से कुछ निकलता है तो नया ही निकलता है। आउट ऑफ द बॉक्स, मान लीजिए कुछ सामान मंगाया, वो बॉक्स में है और बॉक्स को आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एकदम नया नया चीज़ निकलता है, तो हो गया एकदम नया, आसान सा है।
आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है अस्वस्थ। हाँ, इसको याद करने के लिए हम लोग शॉर्ट्स को शर्ट कर देते हैं। शर्ट यानी कि जो कमीज होता है सर अपने बदन में पहनते हैं, वो शर्ट की बात करते हैं। तो आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा शर्ट्स को बाहर मतलब खोलना मत, डेंगू फैल रहे हैं, काट लेंगे। तो देखिए वो बच्चा सुना नहीं, लेकिन क्या किया वो, आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी कि शॉर्ट उतार दिया, शॉर्ट उतार दिया, शॉर्ट उतार दिया, डेंगू ने काटा, मलेरिया मच्छर ने काटा, तब वो तो बीमार पड़ेगा ना, अस्वस्थ हो गया वो। आउट ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि अस्वस्थ। बच्चे समझा नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं। चलिए आगे। आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब जिसके होने की कोई संभावना ना हो। एग्जाम देते हैं और एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दें, संस्कृत का क्वेश्चन डाल दें चार पांच, तो आप कहेंगे ना एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस था यार। सिलेबस में तो सिर्फ लिखा हुआ था जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आएगा, संस्कृत कहाँ से पूछ दिया, एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं थी वो आ गया, ये हो गया आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ वन विट्स, ये आसान है। देखिए आउट ऑफ वन विट्स, विट्स मतलब होता है बुद्धि। अब देखिए कि मेरे बुद्धि से बाहर का चीज़ है, बुद्धि नहीं लग रहा है, बुद्धि से बाहर का चीज़ है, कहीं ना कहीं मीनिंग बता रहा है क्या कि आप पूरी तरह कन्फ्यूज हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब कन्फ्यूज है। तो आउट ऑफ वन विट्स, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करना यानी कन्फ्यूज होना पूरी तरह से। आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड मतलब होता है अनियंत्रित, आउट ऑफ हैंड अनियंत्रित, मीनिंग साफ समझ आ रहा है कि हाथ में है तब तक नियंत्रित है और हाथ से बाहर छूट गया यानी अनियंत्रित हो गया। क्लियर है? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे मन में आ गए होंगे दिमाग में कि क्या क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। आउट ऑफ हैंड अनियंत्रित। आगे है आउट ऑफ कैरेक्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर मतलब स्वभाव से विपरीत। आउट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर उसका था बहुत ही अच्छा था, चरित्रवान था, बहुत अच्छा बिहेव करता था, लेकिन अचानक उसको मैंने कल आउट ऑफ कैरेक्टर देखा। आउट ऑफ कैरेक्टर मतलब जो स्वभाव से मैंने आज तक जो देखा था उसका ठीक विपरीत था। आउट ऑफ कैरेक्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर यहाँ बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं आगे। अब आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब पूरी तरह। यहाँ देखिए किसी को आउट किए, चलो गेट आउट, गुस्सा में बॉस जो है अपना मान लीजिए स्टाफ को भगा रहा है, चलो आउट आउट, तो मैंने धीरे धीरे जा रहा है, क्या किया वो आया उठ करके, वो ऑफिस से बाहर निकाला, साथ में पूरा पूरा बिल्डिंग से ही उसको बाहर निकाल दिया, आउट तो किया ही साथ में पूरे आउट कर दिया, आउट किया साथ में और आउट कर दिया, यानी क्या पूरी तरह से आउट कर दिया, ऑफिस से ना पूरा बिल्डिंग से ही आउट कर दिया, ये हो गया आउट एंड आउट पूरी तरह से। बात समझा? हाँ बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं दिक्कत होगा। आगे देखिए ओपन बुक, ओपन बुक खुली किताब, खुली किताब यानी कि हो गया जिसके बारे में कुछ भी छिपा हुआ ना हो। बिल्कुल क्लियर है, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। खुली किताब यानी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जब किताब ही खुला हुआ है तो उसमें क्या छिपा कर रखेंगे, इस बुक में क्या है, सब कुछ क्लियर है, जो जानना है जान लो, हम ओपन बुक हैं। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून मैंने रेयरली, रेयरली मतलब कि एकदम हो ही नहीं सकता, कभी कभार, जो एकदम बहुत कम होता हो, बहुत कम होता है। इसको याद करना, यहाँ पे ब्लू मून, अगर कहें कि यार मून जो है ब्लू होता है, तब जो विश्वास ही नहीं करेंगे, अरे हम बचपन से देखते आ रहे हैं मून तो वाइट होता है, ब्लू मून कैसे होता है, अरे नहीं एक बार हुआ था, तो आप बोलेंगे हाँ हुआ होगा, छोड़ो ना हुआ होगा, रेयरली कभी कभी हो जाता है, रेयरली समझ लीजिए ऐसा कुछ है, वंस इन ए ब्लू मून रेयरली। ऑन योर टूज, ऑन योर टूज मतलब क्या, चौकन्ना एकदम तैयार, टोज मतलब अंगूठा, जानते हैं पैर का अंगूठा, यहाँ पे देखिए कैसे याद रखेंगे, पिक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है, कि एकदम तैयार कैसे फील होता है। पिक्चर में देखिए एक आदमी है जो एकदम तैयार है, ये टॉस पे रेडी है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा ये एकदम दरदरा के दौड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिए एकदम तैयार, ऑन टॉस है, देखिए अंगूठा अथी पैर के इस पे, तो क्लियर है यहाँ पे, ऑन योर टॉस यानी चौकन्ना एकदम तैयार दौड़ने के लिए टॉस। यहाँ देखिए अब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड सफल एवं सभी परिस्थितियां अनुकूल। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचना, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचना तो हो गया सफल,
दुनिया में सबसे ऊंचाई ऊंचा मुकाम हासिल करना, तो हो गया सफल। क्लियर है, तो सफल हुआ। एवं सारे आदमी कब सफल होता है, जब उसके सारे सिचुएशन जो है सब उसके अनुसार ढल जाता है, कुछ भी उसके मतलब कि विपरीत ना जाए। आदमी सफलता के राह में बहुत सारे रोड़े आते हैं, समस्या आते हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर कोई कठिनाई जो है ना आए तो यह सारे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो जाना और अंततः वो क्या होता है, सफल हो जाता है, आउट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सफल एवं सभी परिस्थितियां अनुकूल। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 70 मतलब 70 साल, 70, और 70 साल के अगर 70 साल से अगर ज़्यादा कोई हो जाए तो हो गया रॉन्ग साइड, क्योंकि 70 साल से पहले तो ऐसे भी स्वस्थ मनुष्य का जीवन काल 65 से 70 माना जाता है। अब 70 से अगर कोई पार करे तो उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग साइड, कभी ऊपर जा सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। आगे देखते हैं, ऑन दिस सेम पेज, ऑन दिस सेम पेज मतलब किसी के समान ज्ञान या समझ होना, ऑन दिस सेम पेज इसका मतलब होता है। कहते हैं ना कि यार तुम जिस पेज में हो हम भी उसी पेज में हैं, ये इडियन फ्रेज कह रहा है। मतलब क्या, कि तुमको जितना ज्ञान है ना, तुमने जिस पेज को पढ़ा है वो मैंने वो पेज पढ़ा है, यानी कि तुमको उस पेज से जो ज्ञान मिला है मुझे भी उसी पेज से ज्ञान मिला है। कहने का मतलब क्या, यही पेज समझ लीजिए कि यही पेज है इडियम फ्रेज का, वो से मैं पूरा याद करा देता हूँ, तो आप किसी से कहेंगे ना हम भी ऑन दी सेम पेज हैं। मतलब क्या कि तुमने वो पेज पढ़ा है तो हम भी वही पेज पढ़े हैं, यानी कि हमको ये सारे इडियम फ्रेज मालूम है। ऑन दी सेम पेज किसी के समान ज्ञान या समझ होना। आगे, ऑन द कार्ड, ऑन द कार्ड मतलब जिसका होना निश्चित है। यहाँ देखिए ऑन द कार्ड कैसे याद रखेंगे, किसी का मतलब कि अगर पता चल जाए कि उसका नाम जो है कार्ड पे लिखा हुआ था, अनाउंसमेंट हो रहा है फलना कुमार विजय घोषित, चिलना कुमार विजय घोषित, अगर वैसे ही उसका मालूम चल जाए कि उसका भी नाम है 6ठे नंबर पे या फिर 11वें नंबर पे, तो बोलेगा ना अरे यार मेरा नाम है, हम एकदम निश्चिंत रहेगा। तो एकदम जिसका होना निश्चित हो, कार्ड में नाम है तो निश्चित ही रहेगा ना, नाम बोला बुलाना ही है उसका, नाम बोला जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा, ऑन द कार्ड है। आगे, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर मतलब होता है विनाश के कगार पर। डिजास्टर आप डिक्शनरी में खोजिएगा ना, डिजास्टर इसका मतलब होता है विनाश, विनाश यानी विनाश के कगार पर, विनाश काले विप्र बुद्धि आपने सुना होगा, मतलब कि जब विनाश काल आता है तो आदमी का बुद्धि जो है एकदम भ्रष्ट हो जाता है, काम नहीं करता है, सब कुछ गलत गलत करने लगता है उस समय, तो उस टाइप का ही कहीं ना कहीं फीलिंग बता रहा है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर विनाश के कगार पे आ गए हैं, एकदम सब कुछ अंत होने वाला है। अब ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स मतलब होता है बेचैन एवं अधीर। टेंटर हुक आप कभी डिक्शनरी में सर्च मार के देखिए, टेंटर हुक का मतलब होता है चिंता, चिंता में बेचैनी। तो अब ऐसा अगर मीनिंग मिल जाए और इस इडियम फ्रेज का मीनिंग भी कुछ ऐसा ही मिल जाए, बेचैन चिंतित अधीर, तो हो गया सेम मीनिंग, ऑन टेंटर हुक्स यानी बेचैन या फिर अधीर, अधीर का मतलब भी वही होता है बेचैन। ऑन सेकेंड थॉट दोबारा विचार करने पर, ये देखिए एकदम सेम टू सेम, सेकेंड थॉट पहले थॉट में काम नहीं किया तो सेकेंड थॉट करना पड़ा, दूसरा बार विचार करना पड़ा, वही है दोबारा विचार करने पे। आगे, ऑन वंस लास्ट लेग, ऑन वंस लास्ट लेग्स मतलब खत्म होने के कगार पे। दो पैर पे आदमी चलता है, ठीक है, एक पैर आदमी गया, एक पैर गया तो एक पैर पे चल रहा था, अब वो दूसरा पैर भी चला जाए, दूसरा पैर भी चला जाए तो हो गया खत्म। लेकिन जब तक एक पैर है तब तक आप कह सकते हैं कि तुम यार लास्ट है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा। ये ऑन वंस लास्ट लेग यानी कि किसी का एकदम लास्ट है, यानी कि इसके बाद अब कुछ नहीं बचने वाला है, खत्म होने के कगार पर, मुसीबतों में फंसा हुआ। अब एक पैर पे है तो मुसीबत में तो है ही भाई। आगे, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है एकदम खुश। ऐसा सोच सकते हैं क्या कि क्लाउड यानी कि गर्मी के दिन में अगर बादल हो दिन में, तो एक होता है कि धूप नहीं लगता है, आदमी खुश रहता है, सुबह सुबह रहे तो और अच्छा, सुबह में तो रहता ही, ऐसे भी धूप नहीं निकल रहा होता तो सुबह ठंडा का मौसम होता है, जैसे ही 8-9 बजता है तब क्या धूप जो है
अपना असर दिखाने लगता है, पूरा तेज करकती है, धूप निकलने लगती है। तो ये हो गया 9 बजे भी अगर क्लाउड रहे, 9 बजे भी अगर धूप रहे, तो हो गया क्या कि आदमी एकदम खुश रहता है कि वाह आज मौसम ठंडा ठंडा है क्योंकि बादल पूरा घेरे हुए हैं। तो ये हो गया एकदम खुश। ये देखिएगा आपको हो सकता है कि याद हो गया होगा। आगे ऑन ए रोल सफलता की दौर, हाँ इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, रोल दौर, ऑन ए रोल सफलता की दौर, ऑन ए रोल सफलता की दौर, 2-3 बार बोल दीजिए हो जाएगा, ऑन ए रोल सफलता की दौर। आगे ओल्ड वाइव्स टेल्स, ओल्ड वाइव्स टेल है सॉरी, ओल्ड वाइव्स टेल यानी कोई सलाह जो लंबे समय से दिया जा रहा हो, ज़्यादातर वो दिया जाता है कि जो संभव ना हो कभी हो ही नहीं सकता उस टाइप का। कहा जाता है क्या कि कहावत क्या मतलब पहले से बहुत पहले से बोला जा रहा है कि बिल्ली काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ। घर से जो है कभी 3 आदमी मत निकलना, 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस टाइप का बहुत सारा लोग पहले से बहुत सारा कहानी बोलते हैं। पति का नाम नहीं लिया जाता है, उसका आयु कम हो जाता है, ये हो गया, उसी को बोला जाता है ओल्ड ओल्ड वाइव्स टेल, यानी कि ये टेल का मतलब होती है कहावत, याद रखेंगे, कोई ऐसी सलाह जो लंबे समय से दिया जा रहा है। ऑफ हैंड, हैंड यानी कि आपने वर्क किया, सेट बनाया, सेट प्रैक्टिस किया, जम के जितना प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस था उसको आपने किया, और आप जानते भी हैं बहुत सारे एग्जाम में, कितना एग्जाम, मतलब बाबर का जिंदगी जन्म नहीं बदल सकता, उसने क्या क्या युद्ध किया वो सब युद्ध बदल नहीं सकता। तो हमेशा SSC जो है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है रिपीट करते रहता है, पिछले का पिछले साल का रिपीट करते रहता है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि जानते हुए आपने क्या किया, सेट प्रैक्टिस जम के किया सब कुछ, प्रैक्टिस लेकर के प्रीवियस ईयर सब कुछ, लेकिन अगर आपने ऑफ हैंड यानी प्रैक्टिस नहीं किया, ऑफ हैंड हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या हो गया, बिना तैयारी के, क्लियर है, हाथ भी नहीं लगाया, कोई भी बुक को पन्ना भी नहीं छुआ, तो बिना तैयारी के हो गया वो, फिर तो अब जाने क्या होगा, भगवान भरोसे। ऑफ द मार्क, ऑफ द मार्क मतलब अतार्किक असंगत, देखिए ऑफ द मार्क मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि सारे 18 फ्रेज में मार्क कर देता हूँ, ठीक है, अगर मार्क कर दूँ और सिर्फ इसी को छोड़ दूँ, इस ऑफ द मार्क को अगर छोड़ दूँ, सारे को मार्क कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब में ये क्या है, असंगत है, क्योंकि सब में मार्क है, इसमें मार्क नहीं है, ऑफ द मार्क है, इसलिए क्या है, ये असंगत है, इसको छोड़ दो, ये अतार्किक है, इस पर तर्क करना बेकार है, क्योंकि इसको मैंने टिक ही नहीं किया है, क्योंकि इसे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है भाई, मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ऑफ द मार्क यानी कि अतार्किक असंगत। यहाँ देखिए ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है अपने किए की बिना सजा या आलोचना पाए, यानी कि कुछ ऐसा उसने किया कि उसको हुक पे टांगने लगा आदमी, मतलब कि उसको सजा मिला कि उसको हुक पे टांग दो, मार दो उसको, लेकिन उसको सजा नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, यानी कि उस सजा से वो ऑफ हो गया, सजा से छुटकारा मिल गया, तो उसने जो किया उसे उसकी सजा नहीं मिली, तो अपने किए की सजा ना मिलना, क्लियर है, अपने किए की सजा ना मिलना या फिर उसका कोई आलोचना ना होना, ऑफ द हुक हो गया उसका। ऑफ कलर मतलब बीमार, ऑफ कलर मतलब कि आज क्या बात है, रंग उतरा उतरा दिख रहा है, सब बोलते हैं ना रंग उतरा होना, रंग उतर जाना, चेहरे का रंग उतर जाना मतलब क्या, बीमार है, अस्वस्थ है, क्लियर है, बहुत बार सुने होंगे रंग उतर जाना। ऑफ हैंड ऑन, ऑफ हैंड ऑन कभी ऑफ होता है कभी ऑन होता है, लाइट का प्रॉब्लम जानते हैं, कभी ऑफ कभी लाइन आता है कभी लाइट चला जाता है, तो हो गया कभी आता है कभी जाता है, ये हो गया कभी कभार, ऑफ एंड ऑन। ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल मतलब होता है निष्फल निरर्थक, निष्फल निरर्थक, अब जब अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो उसके पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा, यानी कि बिल्कुल निष्फल है, निरर्थक, उसे कोई अर्थ ही नहीं है, जब अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसे, इसलिए निष्फल हो गया, कोई फल नहीं मिलने वाला उसे, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, अवेल नो अवेल, अवेलेबल नहीं है इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ सब देखिए ऑड्स एंड एंड्स मतलब छोटे भाग जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है इसका, और ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बिना किसी योजना के तक्षण कार्य किए, ये दोनों आप कैसे भी देख लें, मैं इसका कुछ नहीं सोच पाया हूँ, ठीक है। ऑड्स एंड एंड्स छोटे भाग जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, और ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट ये बिना किसी योजना के तक्षण कार्य करना, ये दो एडियन फ्रेज आज अधूरा रह गया है,
लेकिन मुझे विश्वास है आप इसको कर लेंगे। दो याद करने में कितना टाइम लगता है, तो रिवीजन कर लिया जाए। यहाँ देखिए ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी कि एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, शानदार। आउट ऑफ थिन एयर, वो थिन एयर नहीं था वो तूफान था, आउट ऑफ थिन एयर से अलग हट के तूफान था वो। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी समस्या, समस्या से बाहर निकलना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू फायर, तवे से निकला आग में जाकर गिरा, एक समस्या से निकला दूसरे समस्या में जाकर फंस गया। अदर फिश टू फ्राई, वही मछली नहीं थी दूसरा भी है, यानी कि एक काम नहीं है दूसरे काम भी हैं धन ध्यान देने लायक। आउट ऑफ द बॉक्स यानी एकदम नया, बॉक्स में से तो नया ही निकलेगा ना। आउट ऑफ शॉर्ट्स, अब शॉर्ट्स उतार दिया तो डेंगू मलेरिया काटा उस बच्चे को, मन अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ इसका मतलब। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है क्या कि बिल्कुल अलग क्वेश्चन, आज तक ऐसा मतलब कि हम लोग सिलेबस में था ही नहीं, अलग हट के एकदम अलग हट के। आउट ऑफ वंस विट्स यानी कि हो गया समझ से बाहर, बिल्कुल कन्फ्यूज, पूरी तरह कन्फ्यूज। आउट ऑफ हैंड यानी कि हैंड से अब बाहर निकल चुका है, अनकंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि अब नहीं रहा, अनियंत्रित। आउट ऑफ कैरेक्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर मतलब होता क्या कि स्वभाव से विपरीत, कैरेक्टर में अब वो नहीं रहा जैसा था, अब वो नहीं रहा, स्वभाव से बिल्कुल उल्टा निकला वो। आउट एंड आउट, पूरी तरह से आउट। ओपन बुक, खुली किताब यानी जिसके बारे में कुछ भी छिपाना हो। वंस इन ए ब्लू मून यानी कि वंस इन ए ब्लू मून यानी हो गया क्या कि ब्लू मून तो कभी होता नहीं है, रेयरली इसका मतलब होता है। ऑन योर टोज यानी कि दौड़ने के लिए फिर एकदम तैयार। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सफल। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 यानी कि 70 साल से ज़्यादा होना उम्र, या फिर खतरे से खतरे में आ जाना, तो आदमी मरने लायक हो गया वो जब 70 साल से ज़्यादा हो जाए। यहाँ देखिए ऑन द सेम पेज यानी कि जो पेज आपने पढ़ा वो भी मैंने पेज पढ़ा है, यानी कि दोनों पास समान ज्ञान है, समान ज्ञान या समान समझ का होना। ऑन द कार्ड्स यानी हो गया कि कार्ड में नाम है यानी कि बिल्कुल निश्चित है, निश्चित होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर यानी कि विनाश के कागार पे, डिजास्टर मतलब विनाश ही होता है। ऑन टेंटर हुक्स यानी कि चिंतित या बेचैन, मतलब होता है चिंतित बेचैन। ऑन सेकेंड थॉट यानी दोबारा विचार करने पे। ऑन वंस लास्ट लेग यानी कि अब उसके पास लास्ट है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, यानी कि अंतिम मुश्किल में। याद रख सकते हो ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि अब 9 बजे दोपहरिया में अगर धूप निकल थी, धूप के बजाय बादल रहें, तो उस समय क्या होता है कि मौसम ठंडा ठंडा रहता है बादल कारण, धूप नहीं मिलता उस समय। ऑन ए रोल ये मीनिंग निकलता है, ऑन ए रोल सफलता की दौड़। ओल्ड वाइफ्स टेल्स यानी कि कहावत जो लंबे समय से कही जा रही है। ऑफ हैंड यानी कि बिना किसी तैयारी के। ऑफ द मार्क यानी कि हो गया कि असंगत, मार्क से बिल्कुल ऑफ है, असंगत हो गया। ऑफ द हुक, हुक से ऑफ हो गया यानी कि बिना सजा पाए, मतलब कि जो भी करने किया उसका सजा नहीं मिलना या फिर उसका कोई आलोचना नहीं होना। ऑफ कलर रंग उतर जाना यानी बीमार पड़ जाना। आगे है ऑफ एंड ऑन यानी कि कभी कभार, कभी ऑफ है कभी ऑन है कभी कभार। ऑफ नो अवेल यानी कि अवेलेबल नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी निष्फल निरर्थक। ऑड्स एंड एंड्स और ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, दोनों आपको करना है, याद करना है, दो ही था। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, अपना लाइक जरूर कर दे वीडियो को। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे इसी का आगे वाला। ओके, थैंक यू।